नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व खुलने वाला है और उसकी क्लियरेंस एनटीसीए ने दे दी है। इस टाइगर रिजर्व का नाम होगा गुरु घासीदास टैमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो वहाँ के मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सटे हुई जगह है, जैसे चिरमेर, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से मिला हुआ है। इसका टोटल एरिया 2830 के आसपास होगी और इस समय छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व हैं, जैसे हम लोग जानते हैं। नंबर 1 इंद्रावती, दूसरा उदांती सीतानेरी और तीसरा अचानकमार, और ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अब मैं इस डिटेल के लिए नहीं आपसे ये बोल रहा हूँ। इसमें एक नाम है जो है चिरमेर, एक्चुअली उसका नाम है चिरमेर। वो हम जब छोटे थे तो ये चिरमेरी बोलते थे इसको, ये उस समय मध्य प्रदेश में था और यहाँ मेरे फादर का उस समय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में थे और यहाँ मेरे फादर का कैंप बहुत साल रहा था। मैं यहीं रहा था जहाँ मैंने पहली बार आपको जो बताया है, मैंने जो टाइगर साइटिंग की थी 2 साल की उम्र में चिरमेरी में की थी, जब मैं बाहर अपने मदर के साथ कोर्ट में सो रहा था लॉन में, और जो हमारी बाउंड्री क्या बोलिए वो बैम्बू का जो बाड़ा बना हुआ था उसके सामने से जब टाइगर आया तो मेरी मदर ने थोड़ी उसकी आवाज़ सुनी और वो बदबू आई तो ये उठी। चौकीदार हमारा कैंप की दूसरी साइड पे पहरे के लिए गया हुआ था उस समय, तो ये वहाँ से गुजरा और ठीक बाड़े के बगल में आके रुक गया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसने खुशबू सूंघ ली थी और देखा था कि 2 चारपाई लगी हुई है और उसमें मच्छरदानी लगी हुई है। मैं एक पे सो रहा था, एक में मेरी मदर, छोटे वाला भाई एकदम गोद में था उसको लेके सो रही थी, बट मदर की नींद जाग गई और फिर उन्होंने जल्दी में उठा के मेरे छोटे वाले भाई को तो रैप कर दिया ऐसे गद्दे में और अंदर फेंक दिया और ये कुछ नहीं, वहाँ खड़ा हुआ देखता रहा हम लोग की तरफ, और मेरे को तो नींद में था तो समझ में भी नहीं आया। उन्होंने हाथ से खींच के अंदर किया, अंदर फिर जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर गया तो बगल में खिड़की थी वो, फिर मैं जागा। उन्होंने कहा, मैंने पूछा ना क्या हुआ, कह रहे शेर है शेर है। अब 2 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि शेर है शेर है, पर वहाँ शेर था। जैसे ही मैंने खिड़की से जागा तो देखा वो टाइगर था, तो वो जगह चिरमेर थी। उस समय वो MP में आती थी, आज ये छत्तीसगढ़ में आ गई है। और मैंने जैसे बताया कि MP में मेरे फादर का बहुत समय कटा है और चिरमेर जो है वहाँ का आज के टाइम पे इसको हिल स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि तो थोड़ी हाइट पे है, बड़ा सुंदर वहाँ जंगल भी है, कुछ फॉल्स भी हैं और कोल के लिए माइनिंग हो रही थी, कोयले के लिए, वो कोल का बेल्ट भी है चिरमेर। तो चिरमेर में बहुत, चिरमेरी में मैं चिरमेरी बोल रहा हूँ, तो चिरमेरी में मेरी यादें बहुत ताज़ा हैं। और चिरमेरी में दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो याद है वो मेरे को याद आती है कि जो मेरे फादर ने एक टाइगर मारा था जिसमें तांत्रिक को बुलाया गया था, वो अभी स्टोरी में एक बार रिपीट करूँगा। एक बार मैं हालांकि बोल चुका हूँ बट वो जगह मेरे को याद नहीं आ रही थी एग्जैक्टली। आज जब पेपर में मैंने कल पढ़ा कि ये नया टाइगर रिजर्व खुल रहा है छत्तीसगढ़ में और फिर ये चिरमेर का नाम आया, तो चिरमेर के नाम से मेरे को एकदम स्ट्राइक कर गया कि ये तो जगह वही है। फिर मैंने नेट पे भी कुछ फोटोज आज की चिरमेर के देखी तो बिल्कुल सेम, ठीक पहाड़ था, पहाड़ से सटके थोड़ा सा मैदान था, उसमें कैंप लगा हुआ था। हमारा जो घर था उससे सटे हुए भी कुछ ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स के मकान थे। हम फादर को हट बना था, जो मट से बनता है वो हट था, तो उसमें ईंटें और मट से वो बना हुआ था और उसकी जो हैश थी वो बैम्बू की थी। और जहाँ से मैंने टाइगर को देखा था वो जो हमारी हैज थी वो इतनी पतली थी कि अगर ऐसे थपकी भी मार देता ना अपने पंजे से तो वो बैम्बू वाली जो हैज थी वो नीचे गिर जाती, बट उसका शायद इंटेंशन ही नहीं था, वो उसकी टेरिटरी थी, शायद वहाँ से वो अपनी टेरिटरी से पास कर रहा था या जो भी करना चाह रहा था। तब तक तो फिर चौकीदार ने उधर से आवाज़ सुनी और फिर वहाँ से सीटी बजाया, टॉर्च दिखाई, तो ये निकल के पीछे की तरफ से अंदर की तरफ जो अगला वाला मकान था वहाँ से एक गली अंदर थी और फिर ये फिर जंगल की तरफ चला गया।
तो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस चिरमिरी का। और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, इसमें शायद सीरीज रखनी पड़ेगी एक दो की और, क्योंकि चिरमिरी में काफ़ी टाइम था। अब जो चिरमिरी की आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मैं करीब 4.5-5 साल का तब हो गया था जब फादर के पास ये खबर आई थी कि एक टाइग्रेस थी जो काफ़ी बड़ी बूढ़ी भी हो गई थी और बड़ी भी थी साइज में, उसने कई गांव वालों के कैटल्स मार दिए थे, भैंस मार दिए थे, गाय मार दी थी, एक इंसान के ऊपर अटैक कर दिया था और दूसरी बार जो अटैक हुआ उसमें एक इंसान को मार के वो खा गई थी। तो आतंक मच गया था, गांव वाले घबरा गए थे। कैंप का जहां साइट था फादर का, उस समय मेरे फादर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं थे, वो IBM बोलते थे। तो फिर और क्योंकि फॉरेस्ट वाले और हमारे कैंप बड़ा कैंप था, कम से कम उसमें 700-800 लोग रहते थे, तो फॉरेस्ट वालों को मालूम था, तो वो लोग आना जाना लगा रहता था। फादर भी कई बार उनको खाने पे बुलाते थे, वहाँ के रेंजर्स हैं DFOs को खानों पे वो लोग आया करते थे। और जब उसने दो लोगों को भी अटैक कर दिया और एक को मार दिया और बहुत हल्ला होने लगा गाँव में भी, और हमारे जो फादर के ड्रिलिंग साइट थी वहाँ के भी लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि सर हम काम नहीं करेंगे, ये खतरनाक है, और बहुत गुस्सैल थी, चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि उसकी एज थी। और उसके अलावा जब उसकी डेथ हुई तो फिर उसके फैक्टर्स पता लगे कि वो क्यों चिड़चिड़ी हो गई थी, यानी वहाँ वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो DFO ने बोला कि साहब इसको जो है ऊपर से ऑर्डर आ गया मारने का, क्योंकि बहुत प्रेशर है। पेपर में भी जो लोकल पेपर में निकला आया था कि मैं एक टाइगर से जो जिसने इंसान के ऊपर अटैक कर दिया, एक दो को तब तक मार दिया था उसने, जब तक मैं ये कहानी बता रहा हूँ। तो फिर ये तय हुआ, तो वो DFO और रेंजर ने आके फादर से पूछा था कि सर हम लोग मचान लगवा रहे हैं, आप बैठना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि फादर हंटर है, हंटिंग करते हैं, राइफल है उनके पास। तो फादर तैयार हो गए, तो फादर उनका एक हेल्पर जो टॉर्च लेके, क्योंकि आपको मालूम है मेरे फादर हैंडीकैप थे, उनका लेफ्ट वाला हैंड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में नहीं था, काटना पड़ा था, तो एक ही हाथ से वो शूटिंग करते थे, इसीलिए वो उनको मैं महान मानता हूँ। जंगल के अंदर कोई खाली शूटिंग नहीं करते थे, हंटिंग करते थे, जंगली जानवरों को देखना और एक हाथ से मारना, और 0.280 रॉस जैसी राइफल अच्छा खासा झटका देती है वो, अगर आप ठीक से नहीं पकड़ेंगे। बहरहाल फादर तैयार हो गए, मचान बन गया, फॉरेस्ट वालों ने आके, गांव वालों ने चारपाई दे दी थी, चारपाई में वो मचान बन गया था। एक जगह एक भैंस का बच्चा उसने मार के रख दिया था, तो तय ये हुआ कि उससे थोड़ी दूर पे वो मचान लगा दिया जाएगा, और वो कोई ना कोई हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ शिकार करती रह रही थी, और जो इंसान देखती थी उसकी तरफ लपकती थी, तो ये बड़ा डेंजरस हो गया था। इसीलिए फॉरेस्टर्स ने ये तय किया था कि इसको जो है एलुमिनेट करना ही ठीक है, मार देना। तो उस टाइम में 60s की बात बता रहा हूँ आपको, मिड 60s, तो उस समय एलुमिनेट ही कर देते थे कि भई अगर खतरा है तो इसको ख़त्म कर दो, ताकि वो जो MLAs का जोर आता था, नेताओं का आता था, प्रधानों का आता था, गांव से आ रहा था, और इधर तो फिर IBM के ऑफिस से भी आने लगा था, कि लोगों ने मना कर दिया था कि हम मशीन में नहीं जाएंगे जब तक इसको आप लोग मारने का ऑर्डर नहीं देंगे। बहरहाल फादर मचान लगा, मैं पहली बार मचान पे जब मचान लगा था तो जिस सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ा था छोटा सा था, बट उस समय भी ये महसूस हो गया था कि कैसे लोग रात में इतने अनकंफर्टेबल जगह पर बैठ के एक टाइगर जैसे खतरनाक जानवर का इंतज़ार करते हैं, इतनी समझ तो आ गई थी मेरे को। तो बहरहाल मैं आ गया, नीचे उतर के, फिर जो लोग जाने वाले थे सब चले गए, फादर बैठे, काफ़ी देर इंतज़ार हुआ, उस दिन टाइग्रेस नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। फादर तो उतरे थे जब सेकेंड मॉर्निंग जब चढ़ना था, उसके पहले वाले मॉर्निंग जब उतरे थे, उन्होंने तो उतरते ही पहली बात बोल दी कि हम लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक शेर को, वो हमको बहुत पहले से ही देख रहा है दूर से कि यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, कुछ हो रहा है, फिर कुछ लोग चढ़ रहे हैं, सब देखा होगा उसने, तो वो काहे के लिए आएगा इस किल पे, वो प्रेफर करेगा कि कहीं और किल कर दे। बट चलिए वो एंटिसिपेट ही कर सकते थे। फादर ने फिर तय किया कि सेकंड डे भी बैठेंगे, सेकंड डे भी बैठे, और बड़े डिस्कम्फर्ट में जब पहले दिन उतर के आए थे तो मदर को बताया था कि बड़ी दिक्कत हुई थी बैठने में, पैर ज़्यादा लटका के बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बंदूक ऐसे आड़ा थाइस पे रख देते थे,
फिर ये था कि अगर आवाज़ आएगी किल के ऊपर तब टॉर्च मारेंगे और फिर हम शूट करेंगे। बट सेकेंड डे भी पूरा रात ये लोग बैठे रहे और वो नहीं आए। इसका मतलब छोटा मोटा क्या जानवर है वो लोग, तो फादर ये सोच रहे थे कि हम लोगों ने सोच लिया था कि इसने के जंगल में हम लोग को देखने के बाद कोई जानवर मार दिया है तो अब नहीं आएगी इसके लिए। तो फिर ये उतर के जब सुबह आए थे तो प्रधान जी जो गांव के थे वो आए और फादर से कहने लगे, हुजूर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक दिन और बैठ जाइए और एक चीज़ मैं और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ एक तांत्रिक हैं गाँव वाले उन पर बहुत उनको मानते हैं और गांव वालों ने ही हमें भेजा है आपसे बात करने के लिए, फॉरेस्ट वाले भी वहीं थे। हालांकि मेरे फादर ये तांत्रिक को कोई मानते आनते नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि सर एक बार इनकी बात सुन तो लीजिए, तो सुना तो उसने बोला कि साहब बड़े पहुँचे हुए तांत्रिक हैं और गाँव वालों का ये कहना है कि इनको मचान पर अगर सर बैठा लेंगे तो ये टाइग्रस को किल पर बुलवा लेंगे। अब इस शर्त में फादर थर्ड नाइट फिर तैयार हो गए, हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे। अब थर्ड नाइट जब तैयार हो गए चले गए ऊपर तो चढ़ गए। अब वही मचान में तो जो करना है आपको टॉयलेट जो भी नीचे पेशाब करना है करके चढ़ जाइए, फिर तो नहीं करना है चुपचाप बैठिए। इसीलिए पानी आनी भी लोग बहुत कम पीते हैं, पियेंगे तो पेशाब लगेगी। बहुत से लोगों को हमने कहा मचान से ही डर की, जब ज़्यादा किसी को लगता है कि भाई आ रहा है ऐसा प्रेशर तो फिर बहुत से लोग मचान से भी कर देते हैं खड़े होके, बट वो डेंजरस है हमेशा जंगल के अंदर इस तरह की चीज़ करना डेंजरस होती है। तो वो तैयार ऐसा आप जाइए कि आपको उठने की ज़रूरत ना हो, आराम से आप थोड़ा सा आराम करिए ऐसे डाल पे आड़ लेके। वही फादर ने किया था कि वो डाल पे आड़ लेके बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे। और वो जो लड़का था वो बड़ा तेज था टॉर्च मारने में, 5 साल वाली टॉर्च होती थी और तांत्रिक जी सबसे किनारे थे। और तांत्रिक जी को जब ऊपर चढ़ने के पहले काफ़ी चीज़ें समझा दी थी कि डरने की कोई भी वजह नहीं है, हम हैं साथ में, आपको जैसा मंत्र पढ़ना आप पढ़ते रहिएगा बट शांति से मुंह से कोई आवाज़ ना आना चाहिए क्योंकि वो फिर शिकार पे आएगी नहीं अगर आना भी होगा। तो अब हो गया, उस दिन भी 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, ये लोग को तब तक नींद आने लगी और वो तांत्रिक जी जो था आँख बंद करे बस कुछ मंत्र मने मन पढ़े जा रहे हैं। बाबा ने देखा तब तक इनकी आंख लग गई, ऐसे देख के गन नीचे रख दिया तो आंख लग गई। अचानक जो बीच में लड़का कैंप वाला था उस बोलते तो है नहीं शिकार में उन्होंने कोनी मारी थी, उठे बोले कि देखिए आवाज आ रही है। तो वही जो हड्डी तोड़ने का टाट काट काट हाँ ऐसा करके वो खाए और खा रहा था, वो जो खा रही थी यानी टाइग्रस थी खा रही होगी, आवाज़ आई। अब आवाज़ आई तो फादर भी अलर्ट हो गए, लड़का भी टॉर्च लेके रेडी हो गया और लड़के ने धीरे से कनकी से देखी तो तांत्रिक भी बहुत मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, उनका मुंह तेते 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 चलने लगा था। तो वो तो लड़का गांव का ही था तो वो तो ये समझ गया कि भाई मंत्र से इन्होंने शायद बुला लिया है, ठीक है, बट इनका ध्यान तो उसी पे रहना था कि सर कब बोले इशारा था ऐसे कोनी मारेंगे तो हमें टॉर्च मार देनी है। तब तक देखा कि नीचे जो है पत्तों में पानी गिरने की आवाज होने लगी मचान से, तो इसने बोला कि क्या बात है बोतल जो है लीक कर गई कि पानी वाली। तो इसने पानी बोतल चेक करी चुपचाप तो लीक नहीं कर रही थी, सूखी थी पूरी। तो तब तक इसने महसूस किया कि इसकी जो पैंट थी उसमें साइड में थाई की साइड में जो दरी बिछी हुई थी मचान में वो खटिया पे वो गीली हो गई थी और यहाँ गरम गरम लग रहा था। तो ये समझ गया कि तांत्रिक ने डर के मारे आवाज़ जो सुन रहा था ना टाइगर के खाते हुए उसने जो है पेशाब कर दी अपनी धोती में। और बाबा को उसने इशारा किया, बोल भी नहीं सकते आप शिकार में, तो बाबा ने कहा पकड़ लो उसको गिर गिरा ना जाए। पकड़ लिया उनको, इशारे से बोला आप शांत रहिए कोई दिक्कत नहीं। फादर समझ रहे थे कि आदमी इतना डर जाता है जो यूज्ड टू ना हो रात में इस तरह की आवाज़ सुनने की या बैठने की मचान में नेचुरली वो घबरा जाएगा। तो तांत्रिक जी वो जो है वो हल्का हल्का कांप भी रहे हैं, फादर उनको सांत्वना खाली इशारे से दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कूल डाउन हुए पर तब तक वो इतने नर्वस हो रहे थे कि वो वाकई अगर वो लड़का उनका हाथ ना पकड़े रहे तो मचान कितना होता है, 6 फीट की लंबान वाली चारपाई जिसमें मचान बनता है
और इधर 3 फिट। अब ऐसे जैसे फादर बैठे हैं, वो बीच में वो लड़का बैठा है, फिर ये बैठे और ये 3 फिट की लंबान है, फिर पैर थोड़ा लटका रहता है बाहर। और ये दोनों हाइट पे छोटे ही थे, फादर ही थोड़े से लंबे थे। तो बहरहाल अब ध्यान तो वहां जाना था, तो ध्यान वही था दोनों का भी, इनका फादर का भी और उसका भी। और इनका एक हाथ से उस लड़के ने पकड़ लिया था, ये कुछ नहीं होगा, घबराएंगे भी नहीं, पकड़ लिया। तब तक फादर ने कोनी ऐसे गन से यूं किया उसको, तो उसने फट से टॉर्च मारी। जैसे टॉर्च मारी वो ऐसे करके मुड़ी और सीधा जहां से वो फोकस आ रहा था टॉर्च का वहां देखने लगी। तब तक फादर ने तड़ाक से एक शॉट ले लिया राइफल से और वो लगी। लगी का मतलब ये होता है कि उछल के वो पीछे गिरी, पीछे गिरी और फिर वहां से उठी, उठ के देखने लगी कि कहां से फायर हुआ। तब तक दूसरा फायर लिया वो, मेरे ख्याल से शायद यहां से यहां यहां साइड से कहीं से वो चीर गई। तब तक तो उसका गुस्सा जो था सब अपार हो गया था। वो दहाड़ी वहां से और भागी इसी पेड़ की तरफ जहां इन लोग के मचान पे था, कूदी। अब कूदे की क्यों, दो दो गोली प्लस उसकी एज थी तो कूद तो पाई नहीं, कूदी धट से नीचे आई, एक बार वहां लुड़की खाई, लुड़की खाने के बाद फिर पीछे भाग गई। दमखम तो जितना था वो अपना लगा रही थी और ब्लीडिंग हो रही होगी। फिर थोड़ी दूर में फादर ने पीछे जो है, पीछे ये मुड़ नहीं सकते थे एकदम, तो उस पेड़ का ऐसा एंगल था कि वहां भी कुछ फायर करे दिखे तो, बट अंधेरे में कुछ दिखता तो है नहीं, अंदाजे से ही फायर करने तो कोई यूज भी नहीं था, तो उन्होंने फायर ही नहीं किया। और तो करीब वहां से आधा फरलांग दूर जो एक ग्राउल होती है पेन की, वो ग्राउल आ रही थी, तो फादर कंफर्म हो गई कि उसको गोलियां लग गई। बट आप जा तो रात में तो आप उतर नहीं सकते हैं, आपको वेट करना है मॉर्निंग तक, तो इन लोग का काम ही था वेट। इनको तब तक तो तांत्रिक एक तो थर 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 कांपने लगा जब उसने चार्ज किया, तो अगर वो जो भी था रामू था जो भी था वो नेपाली, अगर वो पकड़ता ना तांत्रिक को, उसने तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया था ये गिरे ना, तो वो तो ऑलमोस्ट जैसे समझिए कि बेहोशी हो गए थे और उसको पकड़ लिया था टाइट से। तो ऐसा सिचुएशन था, नॉर्मल से नॉर्मल बड़ा बहादुर से बहादुर हो कि एक शेर अपने किल से उठ के आ जाए, उसको गोली लग जाए और धाड़ के कूदे पेड़ की तरफ, बड़े बड़े गिर गए हैं मचान से, हमने कितने किस्से सुने हुए हैं। तो वो तो खैर बेचारे एक ऑर्डिनरी तांत्रिक थे, वो हेल्प करने के लिए भेजे गए थे, अब उनकी वजह से वो शेरनी आई कि अपने से आई, भूखी थी। ये फादर तो कहते हैं भाई भूखी होगी, मैं तो ये सब चीज़ नहीं मानता हूँ, बट गाँव के लोग तो ये बोलते हैं कि तांत्रिक बैठे थे, उन्होंने तंत्र में तंत्र पंत्र पढ़े तो वो शेरनी आई। वहाँ की धारणा ऐसी होती है, पूरे कैंप के लोग भी यही बिलीव करते हैं कि भाई तांत्रिक आया तो वो शेरनी शिकार पे आई और उसको गोली मारी। फिर ये लोग बैठे रहे बैठे रहे, ये करीब ये होते होते 2:30-3 हो गया था। अब वो सुबह फिर 4:30 से हल्की हल्की रोशनी आना चालू हो जाती है और 5 बजे तक लोगों ने धीरे धीरे आना चालू, फादर की जान निकली हुई है। वो दूर से ही आवाज़ दे रहे थे कि कोई भी आएगा तो इस तरफ से आओ, ये भागी है पीछे। दो रास्ते थे, दो पगडंडियाँ थी, तो एक इधर राइट की तरफ थी, एक लेफ्ट की तरफ थी, वो भागी तो ऐसे ही थी, बट कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके इस तरफ ना मुड़ी हुई। और ये लोग सब इधर से आ रहे थे हल्ला करते हुए। बहरहाल आए, हुआ कुछ नहीं, नीचे आए, फिर एक एक करके पहले तांत्रिक जी को एक ऊपर कोई चढ़ा गांव वाला, उसने उतारा और फिर ये लड़का उतरा। फिर इस लड़के ने हाथ दे दे के फादर को उनकी राइफल पहले नीचे फेंकी यानी दी और फिर इनको उतारा। यानी फादर को उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता था ना एक हाथ से, और वो बैम्बू की सीढ़ी लंबी वाली बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। तो मैं तो छुटपन में भी गया था, हमें याद है कि हम तो खुद समझ रहे थे कि कितना मुश्किल होता मचान पे बैठ के शिकार करना। तो बहरहाल फादर आ गए और फिर अब दूसरा काम था कि उसको जाके देखें भाई क्या है, कैसा है, कहीं इंजर्ड है, तब तो वो फिर चीड़े की फाड़े की कईयों को गुस्से में, वो तो और डेंजरस है। बट वहाँ से करीब 1 फरलांग आगे गए हैं लोग, तो ब्लड ट्रेल को फॉलो कर रहे थे। ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते इनको समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन पे गई है। वहाँ गए तो फादर ने सबको रुकने को बोला, तब तक तो फॉरेस्ट वाले भी थे, वो अपनी गन लेके गए आगे, गए देखा कि वो पड़ी हुई है। बट फिर भी कंफर्म करने के लिए बड़े वाले पत्थर होते हैं वो मारे जाते हैं, मारा आ रहा उसको
तो वो मोशनलेस थी, हिली नहीं, और अगर पत्थर पड़ के अगर थोड़ा बहुत हिलती तो फिर फायर करके मारा जाता है, नॉर्मली हंटिंग में यही होता है। तो फिर उसकी बॉडी जो है फॉरेस्ट वाले ले गए, तो हमारे कैंप वालों ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो फॉरेस्ट वाले जो है जब जीप पे लाद के ले जा रहे थे तो एक बार कैंप भी गए, कैंप में भी भीड़ सुबह के टाइम पे आ गई थी, पूरे कैंपर सब देखने आ गए थे, तो मेरे को भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी कि मैं भी देखूं, बट हमारी मदर ने मना कर दिया, तुम क्या करोगे, बहुत छोटे हो, ये सब अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चुप हो गया। बहरहाल वो कैंप से फिर फॉरेस्ट वाले ले गए, गाँव वाले भी होते आए थे देखने के लिए, क्योंकि वो उनको भी डर था, जंगल जाना लकड़ी लाना वो मुश्किल हो गया था उनके लिए। और फिर वो मारी गई, और उसको बहुत से लोगों ने देखा हुआ था उस एरिया में, उस शेरनी को, वो कभी नहीं करती थी। बाद में जब देखा तो उसका एक केनाइन टूटा हुआ था और एक पंजे में बड़ा गहरा दाग था। तो एक तो बूढ़ी और प्लस उसके जो है पॉज में कट, और तीसरा एक दाग टूट जाना। तो ये बट नेचुरल था कि ये जानवरों को तो नहीं पकड़ सकती थी। तो उसी हालात में ये मैनेटर हो गई, और फिर इसको मारना जो था वो लाजमी हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, तो ये बेचारी मारी गई। बड़ा बहुत थ्रिलिंग कहानी है, और अब पूरा गांव और कैंप का स्टाफ तो ये बोलता है कि तांत्रिक ने तंत्र विद्या से उसको बुला लिया शिकार पे। हालांकि मेरे फादर नहीं मानते, तो हमारे फादर भी बाद में यही बोल रहे थे कि मैंने भी उनको यही बोला कि नहीं, हो सकता है कि इनके अंदर वो शक्ति हो कि इन्होंने टाइगर को बुलाया। बट आखिरी तक फादर यही बोलते रहे कि शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी, दो दिन नहीं आ पाई, हम लोग को देखा देखी, तीसरी बहुत ज़्यादा भूख होगी तीसरे दिन, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी, तो वो शिकार पर आ गई। तो ये जो कहानी है ना, मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत से लोगों ने शायद सुनी होगी, तो ये चिरमिरी की ही अगल बगल के जंगलों की है। तो चिरमिरी जो ऐसे, मैं चिरमिरी आज भी बोल रहा हूँ, है वो चिरमिर तो, बट वो मैं चुटपन से क्योंकि चिरमिरी ही बोलता हूँ तो मैं चिरमिरी ही बोल रहा हूँ। और इसके अलावा भी चिरमिरी की बहुत सी कहानियाँ हैं, मैं आपको आगे और सुनाऊँगा। कई अंकल थे, मेरे एक अंकल थे, उन्होंने लेपर्ड मारा था, उसकी कहानी सुनाऊँगा। मेरी अपनी जो है बचपन की, मेरी मतलब मेरे को लेके जब जा रही थी प्राम में, तो वहाँ वुल्फ रास्ते में मिला था, मेरे पास जर्मन शेफर्ड था, तो वो साथ में बहादुर जाता था लाठी लेके, मदर प्राम में लेके जब जाया करती थी, तो वो सब चिरमिरी की, मेरे छोटे वाले भाई को भी लेटा के और हम साथ साथ प्राम में मदर के साथ जाते थे। तो हमने कच्चे रास्ते में जो रास्ता ऊपर बनाया था साइड पे जाने के लिए, तो उस रास्ते पे हमने वुल्फ्स देखे थे दो। बट वुल्फ्स डर जाते हैं इंसानों को देख के, वो थोड़े देर की क्यूरियोसिटी होती है, जैसे उसने बहादुर ने लाठी मारी, दौड़ 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 करके भाग गए। तो वहाँ कई केसेस हैं, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा याद करूंगा चिरमिरी के, बट बहुत एक्साइटेड हो गया, चिरमिरी का नाम मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। बट जैसे ही आज मैंने कल ये पकड़ा कि छत्तीसगढ़ में जो है चौथा टाइगर रिजर्व खोले गया, और यह चिरमिरी भी उसकी एक एरिया है, तो चिरमिरी में तो बहुत साल हमारे यहाँ कैंप था, तो मेरे को और भी किस्से हैं, मैं आपको डालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो चिरमिरी की है, मेरे बचपन की स्टोरी जो मैंने पहली साइटिंग की थी वो चिरमिरी में की थी, इसीलिए आज मैंने ये स्पेशल स्टोरी डाली है। मैं कोशिश करूंगा कि वो फ़ोटो भी डालूं जिसके मकान में हम रहते थे, मेरे मदर फादर मैं, क्या होगा समय, ढाई तीन साल का होगा जबकि फ़ोटो है, और वो छोटा वाला भाई मदर की गोदी में, वो डालूंगा। और आप पीछे देखिएगा बैम्बू का जो हैज है वो कितना पतला है, जो आप कहते हैं ना बाड़ा, तो टाइगर के लिए तो समेट देगा ऐसे ही थोड़ा सा, तो पूरा गिर पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो बना ही नहीं था, नहीं होता तो कुछ मोटा लोहे का लगाते, बट उस हिसाब से नहीं था क्योंकि खतरा कुछ भी नहीं था। बट जंगल में अक्सर ये होता है कि जब खतरा बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करते हैं कि कुछ नहीं है, इस तरह के केस आ जाते हैं। ये वही टाइगर्स थी जो हमारे घर के पीछे दिखती थी पेड़ पे बैठी हुई, मैंने कई बार बोला, जो हमारा खानसामा था वो अपने किचन से देखता था, ये वही टाइगर्स थी। वो बहुत ही जेंटल थी, बट शायद मजबूरी ने उसको मैनेटर बना दिया होगा, और उसने शायद बाबा को देखा भी होगा सीढ़ी पे चढ़ते हुए, तो पहचान लिया होगा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कि इनको तो हम देखते हैं वहाँ, बाबा ये कह रहे होंगे ये तो वही है, तो ये तो मेरे को देखती है जब मैं निकलता हूँ अपने वहाँ, वो पीछे बैठी रहती बड़े वाले पेड़ पे,
और कई बार साइड पे जब जाते थे जीप पे, तो ये क्रॉस करती थी जंगल से बैठी हुई, शी वॉज द रूलर ऑफ दैट टेरिटरी, और किसी से डरती भी नहीं थी। तो उस इसके वजह से उस एरिया में कोई दूसरा टाइगर जल्दी आता भी नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चिरमिरे की जो मैंने छत्तीसगढ़ की बताई, और आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आई हो, कि पसंद है। बहुत से लोग जुड़िए, प्रिस्क्राइब करिए, और बहुत सी कहानी है, इतनी कहानियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं जंगल ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बट मेरा जंगल यहाँ बना हुआ है, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें। थोड़ी सी ये शैडो आ रही है, वरना ये देखिए शेर को अंधेरे में बैठा है, क्या सुंदर शेर है, ब्रिलियंट। जिसने भी दिया फोटोग्राफर ने, बहुत ही ब्रिलियंट रात की फोटो है। तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।